हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आज आपके सामने फिर से एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो मैं अपने एक कुशन कवर का डिज़ाइन लेके आई हूँ, तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा। तो ये देखिए, मेरा 6-6 इंच का ये एक पीस है, ये मेरा 16 इंच का एक पीस है, 16 इंच 16 इंच ये हमारा कुशन कवर का बैक कवर है। ये हो गया फ्रेंड्स, ये मेरे 4-4 इंच के 4 पीस है फ्रेंड्स। इसमें बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा है। ये 3.5-3.5 इंच के 2 पीस हैं, ये भी 3.5-3.5 इंच के 2 पीस हैं, और ये 4-4 इंच के 4 पीस हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स कि हमें इनका इस्तेमाल करना है। तो हम इसको सीधा रखेंगे और इसको भी हम इस तरीके से कि अंदर हमारा सीधा सीधा हो गया फ्रेंड्स, बाहर हमारा उल्टा फ्रंट हो गया। तो ये हो गया फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं सारे लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पीस लगा ली है। अब हमें क्या करना है, ऐसे हमें लाइन लगानी है, साइड साइड में हमें सिलना है, पीस की लाइन को हमें छोड़ना है। तो ये साइड साइड लाइन हो गई, तो मैं इनको सिल के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये मैंने इनमें सिलाई लगा ली है, और अब हम भाई से बीच वाली लाइन पर कट करेंगे। तो ये देखिए, मैं भी बीच वाली लाइन पर कट कर रही हूँ। ये देखिए, हमारा ये डबल शेड का पीस हो गया। तो ऐसे ही मैं ये पीस भी सारे कट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारे पीस मैंने कट कर लिए, सारे ओपन कर लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें 3.5 इंच का बोर्ड लेना है और इस तरीके से उसको रख के नापना है, कोने से कोने मिला के, और जो भी हमारा एक्स्ट्रा होगा उसे हम कट कर लेंगे। तो ये जो सारे पीस है उसको हम साइड में करते हैं, इस तरीके से ओपन करेंगे इसको और इस तरीके से नाप लेंगे कि यहाँ हमारी नोक से नोक मिली होनी चाहिए, और फिर हम इसको बाकी का पीस कट कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से ये हमारा एक्स्ट्रा है जो हम उसको कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये हमने निशान लगा दिया। ये इस तरीके से हमारा निशान लग गया, और अब हम इसको कट कर देंगे। तो ऐसे ही हम ये सारे पीस कट करेंगे। तो देखिए, जो मेरा एक्स्ट्रा था मैंने कट कर दिया, और अब ये 3.5 इंच का तैयार हो गया है फ्रेंड्स। तो देखिए, इस तरीके से हमें ये देखिए, इस तरीके से हमें बिल्कुल साफ पीस करना है। तो ऐसे ही मैं सारे पीस कर देती हूँ फ्रेंड, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे सारे पीस हो गए हैं। अब मैं इनका डिज़ाइन सेट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा डिज़ाइन सेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये दोनों जॉइंट करेंगे। तो इसको यहाँ रख के यहाँ से सिलेंगे, तो ये हमारा जॉइंट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ऐसे ही हम फिर इसको जॉइंट करेंगे, तो ये भी हमारा सिल के तैयार हो जाएगा। तो पहले हम ये दोनों पीस सिल लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे दोनों जॉइंट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे इस पर जॉइंट करेंगे। तो हम इसको यहाँ से सिल लेते हैं फ्रेंड्स, और इसको यहाँ पर सिल लेते हैं। तो मैं इसको सिल लेती हूँ फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद हमें ये पूरा सिलना है फ्रेंड्स। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले यहाँ से रख के सिलेंगे, फिर उसके बाद इसको यहाँ रख के सिलेंगे, और इसको यहाँ रख के सिलेंगे। तो ऐसे ही हमें पूरी लाइन सिलनी है, और ऐसे ही हमें ये साइड लाइन सिलनी है। तो मैं सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा सिल गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे पलटकर यहाँ जॉइंट से जॉइंट को मिला के और यहाँ से सिलना है, और इसको भी इसी तरीके से यहाँ रखेंगे, जॉइंट से जॉइंट को मिलाएंगे और यहाँ से सीधा सिल देंगे। तो ये हो गया फ्रेंड। जब ये हो जाएगा फ्रेंड, जब हम इसके साथ ये वाली पट्टियाँ जॉइंट करके लगाएंगे, क्योंकि हमें ये पीस 16 इंच का तैयार करना है। तो हम चारों तरफ इसके ये पट्टियाँ जोड़ लेंगे। तो पहले हम ये सिल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये हो गया। अब हमें ये पट्टियाँ लेंगे, ये मेरी पट्टी 3 इंच की है। तो इसको हम यहाँ पर रख के सिलेंगे और पलट देंगे। सेम ऐसे ही हम इस पट्टी को भी करेंगे कि हम इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे और सिल देंगे। ये हो जाएगा फ्रेंड। फिर उसके बाद हम ये पट्टियाँ लेंगे, ये भी हमने ऐसे ही लिया पट्टियाँ। तो उसके बाद हमें इस पट्टियों को जॉइंट कर लेंगे। तो जो इतना भी हमारा डिज़ाइन है फ्रेंड्स, उसी हिसाब से पट्टियाँ काटना। तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये वाली पट्टी भी जुड़ गई है, और ये वाली पट्टी भी जुड़ गई है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा हम कट कर लेंगे, उसको फिनिशिंग से करने के बाद हम इस ये वाली पट्टी लेंगे और इसको हम जॉइंट करेंगे।
इस तरीके से ये दोनों पट्टी होगी और हम इसको यहाँ से और यहाँ से सिलेंगे। तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये कुशन कवर का फ्रंट कवर तैयार हो गया है और ये मेरा बैक कवर है। तो ये देखिए इस तरीके से ये ऐसे तैयार होगा और बाद में हम पीछे इस कपड़े को भी जॉइंट कर लेंगे और जिप लगा लेंगे। तो मैंने आपको डिज़ाइन दिखाया फ्रेंड, तो ये देखिए मेरा डिज़ाइन तैयार है। तो आप भी ऐसे डिज़ाइन बनाइए और अपने घर को सजाइए। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए बाय।